क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से पेज नंबर 107 ठीक है, स्क्वायर रूट चल रहा था चैप्टर 6 का, उसमें पेज नंबर 107 पे ट्राई दिस दिया हुआ है, ट्राई दिस पार्ट कंप्लीट करने का है ठीक है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट होल नंबर ठीक है, जो इसका वैल्यू जो है ठीक है, रूट ऑफ 80 का वैल्यू कितना आएगा, उसका वैल्यू हमको नियरेस्ट होल नंबर के रूप में देना है। इसका मतलब निश्चित है कि ये जो है किसी भी नेचुरल नंबर या किसी भी होल नंबर का ये स्क्वायर नहीं है ठीक है, स्क्वायर रहता है स्क्वायर रूट निकल गया होता ठीक है, किसी का स्क्वायर नहीं है तो नियरेस्ट वैल्यू हमको बताने का है ठीक है। पहला रूट 80 है, तो रूट 80 के लिए हम निकालते हैं तो 1 square 2 square 3 square 4 square ऐसा करके आप करते जाएंगे तो 8 स्क्वायर का वैल्यू 64 आएगा ठीक है, और 9 स्क्वायर का वैल्यू 81 आएगा ठीक है। ये 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों नंबर क्या है कि 81 जो है 80 से ऊपर का नंबर एक आ गया और 64 जो है उससे नीचे का नंबर, उसके बीच में कोई नंबर होता ही नहीं है क्योंकि 8 और 9 हमने दोनों ले लिया ठीक है। आप करते जाएंगे 1 स्क्वायर कीजिए, 1 लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 ऐसा, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 लिख दिए क्योंकि 80 के ऊपर का नंबर और 80 के नीचे का नंबर हमने ले लिया ठीक है, इसके नीचे और उससे ऊपर का नंबर। तो हम ये क्या कहते हैं, एंड 80 इज बिटवीन 64 एंड 81 ठीक है, 64 और 81 के बीच में ये 80 है जिसको हमको निकालना है, वो क्या है 64 81 के बीच में है, इसलिए हमने ये लिया ठीक है, वी नो दैट। तो देयरफॉर हम क्या बोलते हैं कि रूट ऑफ 80 जो होगा वो 8 से बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन 8 होगा एंड लेस देन 9 होगा, क्योंकि 9 स्क्वायर जो होता है 81 होता है, तो रूट ऑफ 80 का वैल्यू 9 से थोड़ा कम ही होगा क्योंकि 81 तक तो आया नहीं और 8 से थोड़ा ज़्यादा क्योंकि 64 तो आया नहीं, 64 से ऊपर ही आया, तो दोनों से के मिडिल में होगा 100% रूट ऑफ 80 का वैल्यू, आया समझ में। एंड 81 जो है, अब हम क्या देखते हैं 81 किसके नज़दीक में है, तो 81 जो है सॉरी 80 जो है किसके नज़दीक में है, तो 80 जो है 81 के ज़्यादा नज़दीक में, 80 plus 1 81 होता है, सिर्फ 1 का ही डिफरेंस है, और यहाँ 64 में कितने का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, यानी इसमें ज़्यादा क्लोजर है। तो हम क्या बोलते हैं 81 इज मच क्लोजर टू 80 से ज़्यादा क्लोजर है देन 64 की अपेक्षा, 80 से ज़्यादा क्लोजर है 81 जो है 80 से ज़्यादा क्लोज है 64 की अपेक्षा, आ गया समझ में। तो 80 इज अप्रोक्सीमेटली कितना वैल्यू हो जाएगा, 9 हो जाएगा क्योंकि 81 किससे निकला था, 9 से निकला था, इसलिए क्या वैल्यू हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आ गया समझ में, कैसे निकालना है, क्लोजर वैल्यू निकालना है तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। 1000 के लिए वैसे आप 1 2 3 4 आप करते जाएंगे तो 31 स्क्वायर जो होगा 961 होगा, 32 स्क्वायर जो है 1024 होगा, 1024 से ये छोटा है और 961 से बड़ा है, एकदम दोनों के मिडिल का हमने ले लिया, और 31 के बाद 32 होता है, 31 32 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, ये 31 और 32 मैंने ले लिया ठीक है। 1000 बिटवीन 961 एंड 1024, देयरफॉर 31 इज सॉरी रूट ऑफ 1000 इज ग्रेटर देन 31, 31 से ग्रेटर है और 32 से लेस है, सो 1000 इज मच क्लोजर टू 106, लेकिन वो 1024 से ज़्यादा क्लोजर है ना, क्योंकि 24 का फर्क है, यहाँ 39 का फर्क है, 1000 से कितने का फर्क है, तो 1000 से ये 39 का फर्क है, ये 24 का फर्क है, तो ज़्यादा क्लोजर 1024 है, तो 1024 सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 32 हो जाएगा। वैसे 350 का निकालिए, 350 में क्या वैल्यू हो जाएगा, 90 हो जाएगा क्योंकि 361 से ज़्यादा ये क्लोजर है ठीक है। 500 का कितना हो जाएगा, वी नो दैट 22 स्क्वायर इक्वल 484, 23 स्क्वायर इक्वल 529, और 500 जो है 484 और 529 के बीच में है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 22 हो जाएगा ठीक है। तो ट्राई दिस, पेज नंबर 107 कंप्लीट हो गया ठीक है।